ठीक है, अब इसको बंद कर लिया। दुबले कैसे होंगे पता नहीं है, दर्द। तो आप लोग हाथ जोड़ के विनती है, नजर लगाओ उन पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे संडे को फूड ब्लॉग कहाँ पे है, लेकिन दोस्तों संडे को फूड ब्लॉग मिलेगा, इसी वीडियो मिलेगा, मने रहो। क्या मनेगा, क्या खिलाएंगे सब बताएंगे, रुके रहो अभी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय क्या मन रहा है, मम्मी होममेड फूड ब्लॉग हम लोग मना रहे हैं, जो कि हर घर पे मनती है प्यारी प्यारी मीठी मीठी गुजिया। ठीक है, होली के पर्पस में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, दैट्स वाई हमने आपको गुजिया का ब्लॉग मनाने की पहल करी, और जो कि संडे को हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने आपको होली में मनी थी, ये गंगा मेला वाली सिस्टम है इसलिए आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ठीक, आपको पूरी शुरुआत से लेके मेकिंग से लेके भरने से लेके और खाते हुए भी दिखाएंगे कितनी स्वादिष्ट लगेगी। ठीक है, ये मम्मी के हाथ, ये मम्मी है, ये मम्मी आए करो। ठीक है, और ये एलिस है, एक है दोस्तों, एक भाग गई। ठीक है, एक भागी, देखिए। ठीक है, अब ये ऐसे करके बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको किया जाएगा और मैं भरूंगा। एलिस कैमरा दिखाएगी, एलिस मेरे ऊपर फोकस। और ये प्यारा सा हमारा, ठीक है, क्या है, गुजिया साचा, जो ये क्या कहते हैं, साचा है। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए दोस्तों, ये हमने लिया ऐसे करके, इसके ऊपर ऐसे रखा। ठीक है, अब थोड़ा गलती वलती हो जाए भैया, माफ करना, क्योंकि ठीक है प्रैक्टिस है। ये है खोया, अब इसमें क्या क्या मेवा मिला है वो तो हर घर जानता होगा, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हर घर में पता चली गया होगा क्या इसके अंदर होता है, क्या क्या मिलाया जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं? हाँ, तभी तो पता है। हाँ, और ये जो है मैदे का, नहीं होता पानी के साथ जो हम लोग पहले करते चिपकाने के लिए, ये वो है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, साइड साइड में आपको यहाँ पे लगाया जाता है मैदा वाला पानी, ताकि गुजिया चिपक जाए, फूटे ना। जैसे ये चिपक रहा है वैसे आप भी अपने चिपक जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब इसको बंद कर लिया। ठीक है, इसको दबाया ऐसे ऐसे करके, और ये कतरन होती है, ये कतरन होती है, कतरन प्यार से ये हटी। ठीक है, देखिए कतरन मिली, इसको यहां रखा और ये गुजिया बन के तैयार। ठीक है, और डायरेक्ट अब आपको हम आपको दिखाते हैं, फ्राई जब होगा तब आपको ले जाते हैं और फिर टेस्ट भी कराते हैं। और ये हमारा संडे को स्पेशल होम मेड, नहीं होम फूड गुजिया ब्लॉग रेडी है। ठीक है, और मम्मी के हाथ की बात ही अलग होती है, दैट्स हम लोगों ने आज संडे को फूड ब्लॉग नहीं करी, तो घर पे ही आपको फूड ब्लॉग करके दिखाया। अब डायरेक्ट हम लोग फ्राई वाले टाइप पे मिलते हैं। बाय दोस्तों, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे होंगे। ठीक है, और हम लोग गुजिया बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है, और आप टाइम देख सकते हैं कितना हो रहा है, आपको दिखा देते हैं टाइम, इतना बजा हुआ है, मीन्स 9:15 बजे तकरीबन। ठीक है, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था कितने बजे, मीन्स 7:30 पे ना, 7:30 पे स्टार्ट किया था और 9:15 पे ख़त्म हो गया, बस आप लोगों के प्यार की वजह से। और डायरेक्ट हम लोग जब फ्राई होगी ना गुजिया, तब दिखाएंगे और खाते हुए दिखाएंगे क्या टेस्ट है। ठीक है, यही हमारा फूड ब्लॉग स्पेशल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये गुजिया अब मम्मी डाल ली है, देखिए दोस्तों। ठीक, ये देखिए दोस्तों, ठीक, अब मम्मी क्या कहोगी, सबको होली और गंगा मेला की शुभकामनाएं। हाँ, और जो भी गुजिया लवर हैं वो हमारे यहाँ के गुजिया खाने जरूर आए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
बिल्कुल बिल्कुल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट में भी बताएं। और आज मम्मी ने कहा था कि रोज बाहर बाहर की फूड ब्लॉगिंग करते हो, आज घर की फूड ब्लॉगिंग करो, इसलिए हम लोगों ने घर की फूड ब्लॉगिंग करी है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ रखी जाएंगी गुजिया, पहली गुजिया रखी गई है, ये दूसरी गुजिया। घर की गुजिया अच्छी होती है, सॉफ्ट भी होती है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी गुजिया लग रही है। और डायरेक्ट हम लोग अब खाना गुजिया को खाएंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे। बाकी ये है, ये गुजिया है, और ये मम्मी मम्मी ठीक। और ये तो आप तो मैं जानते ही होंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट में बताएं भी कौन कौन गुजिया लवर है और कौन कौन अपनी मम्मी के हाथ का खाना पसंद करता है। दोस्तों आइए आइए आइए, ये सर्व और सब आप ही लोगों के लिए है, ठीक है, होममेड, ठीक है, घर की गुजिया। और साथ में हमारी प्यारी सी मम्मी आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों गुजिया मनते हुए, और यहाँ पे ये गुजिया है, अभी गरम गरम है दोस्तों, इसलिए आपको अभी खोल के नहीं दिखाएंगे क्या टेस्ट है क्या नहीं। और एक स्पेशल चीज और है आप सबके लिए, क्या है वो आप आगे देखिए, सरप्राइज है आपके लिए। देखिए दोस्तों कितनी फूली फूली है, कितनी फूली फूली है, बिल्कुल हमारे गोला के जैसे, ठीक है। और ये गुजिया है, ये मम्मी है, और डायरेक्ट हम लोग आपको, और जिसको भी खाना है आ सकते हैं खा ले। अच्छा मम्मी ने बुला भी लिया है, हम लोग बड़े प्रेम से खिलाएंगे। और अगर आप गुजिया लवर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप अपनी मम्मी को सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। अब डायरेक्ट हम लोग आपको खाते हुए मिलेंगे। दोस्तों अब मम्मी हमको इस कटोरी, खाली कटोरी में एक गुजिया देंगी। मम्मी गुजिया दो। और मम्मी क्या संदेश देना चाहोगी? संदेश मेरा यही है, क्या, कि अपने घर में जो बना के बात होती है अच्छी, वो बाहर की गुजियों में नहीं मिलती है। अच्छा हाँ, घर की गुजियों में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनके दांत नहीं होते हैं, वो बाहर की गुजिया जो होती है काट नहीं पाते हैं, दांत होते नहीं, मसूड़े में और छिल जाते होंगे। घर की गुजिया बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, घर के बुजुर्ग वो हाथ से तोड़ के खा भी सकते हैं। तो दोस्तों बड़े बुजुर्गों के ख्याल के लिए आप लोग घर पे गुजिया मनाएं, थोड़ी मेहनत जरूर करें, और ये प्रथा धीमे धीमे खत्म होती जा रही है घर पे गुजिया बनाने वाली। अगर मेरी बात का आपको जरा सा भी खराब लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। दोस्तों गुजिया के साथ एक लड्डू मुफ्त पाए, ठीक है। और ये लड्डू किस चीज का है और ये गुजिया है, अभी अभी हमने आपको क्या कहा था, संडे को फूड ब्लॉगिंग होती है, तो इससे अच्छी फूड ब्लॉगिंग क्या हो सकती है। और ये लड्डू और गुजिया आइए हम लोग टेस्ट करते हैं। दोस्तों फूड ब्लॉगिंग मिस कर रहे थे ना मेरी, लो आ गए आपका भाई हमारे पास, क्या जाओ पास लाओ, पास कैमरा पास लाओ। ये लड्डू है, ठीक है, और ये गुजिया जो अभी अभी मम्मी ने बनाई है। अब लड्डू पहले खाएगी गुजिया, ठीक, पहले फूड ट्राई करते, गुजिया तो दोस्तों अभी बहुत गर्म है तो पहले हम लोग लड्डू ट्राई करते। देखिए दोस्तों लड्डू, ठीक है, ये मम्मी ने होली मनाया था, ये देखिए इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। ओहो देखिए दोस्तों, देखिए ये देखिए क्या है, आइए हम लोग टेस्ट करते हैं। ओह देखो, जो होम में लड्डू होते हैं ना भाई, उसकी कोई बराबरी नहीं करता, ठीक है। और देसी घी के लड्डू हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मजा आ गई भाई, ठीक है। और देसी घी के लड्डू भाई, वो भी घर के हो, माँ के हाथ के हो, तो बराबरी ही नहीं है। अब गुजिया बोलते हैं, आओ। लेकिन ये सॉफ्ट है, स्पंजी देखिए, अभी गरम गरम है, ठीक है, देखिए। आह ओह आया नहीं, अब आया, फोकस नहीं होता ना। देखिए दोस्तों कितनी मुलायम है, ठीक है, धुआं निकल रहा है। अब पास लाओ, तो खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये खोया सब मैंने भरा है अंदर, ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये खोया है, देखिए
जबरदस्त जागरा। और यही सब खा खा के आपका भाई बेटा मोटा हो रहा है, ठीक है। और दुबले कैसे होंगे पता नहीं है, दर्द। तो आप लोग हाथ जोड़ के विनती है, नजर लगाओ उन पे, इतना नजर लगाओ कि दुबले हो जाए। आप लोग नजर नहीं लगाते हो, नजर लगाओ, ठीक है। अपनों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, नजर लगाओ जैसे कि हम दुबले हो जाए। बहुत मोटा रहे हैं भाई, जब आप नजर नहीं लग रहे हो। दोस्तों आपकी इतनी भयंकर नजर लगा, ये दुबला हो जाए, इसका पेट अंदर चला जाए। हाँ, इसका पेट जो निकला ना वो सब अंदर चला जाए। अगर मिस कर रहे हो तो नजर लगाओ पेल पेल के, क्या गुजिया बनी भाई, मुलायम मुलायम, और साथ में घर के लड्डू हो, मजा आ गया, ठीक ना। तो फूड ब्लॉग आज हम लोगों ने घर का मनाया, संडे का दिन था, तो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और आपके मोहल्ले इलाके नगर शहर हर जगह बताइए कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छी चीज मिलती है, हम लोग वहाँ आएंगे। और कृपया करके जब हम खाने की वीडियो डालते हैं तो उसको शेयर करिया करिए, सारी वीडियो शेयर करिए। अगर आप लोग कानपुर निवासी है तो कानपुर वाले तो और शेयर करें, जैसे कि बाहर के लोगों को पता चलता है कानपुर में कहाँ कहाँ अच्छी चीजें मिलती हैं, ठीक। और एक बात और कहना चाहेंगे, आप सबको प्यार के लिए जो आप लोग हम पे जता रहे हैं उसके लिए ढेर सारी बधाई हो, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यश सक्सेना ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लेकिन एक और बात, नजर लगाना ना भूलिए, जो कि आप लोगों का सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए। आज का समाचार यहीं समाप्त करते हैं।